बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जो है वो एयर को इनहेल करते हैं और कैसे हवा को जो है बेटा वो एयर को हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है ना। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो मैकेनिज्म होता है बेसिकली आज हमने उसको स्टडी करना है। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्पायरेशन की, इसको इनहेलेशन भी कहा जाता है, इनहेलेशन, ठीक है ना, कि एयर का बॉडी के अंदर जो है बेटा वो एंटर होना, ठीक हो गया, ये होता है इंस्पायरेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के मसल हैं, एक है इंटरकोस्टल मसल वन बाय वन मैं सारे स्टेप्स जो है वो आपको बता देता हूं। देखिए हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या होता है, इंस्पायरेशन के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स जो होते हैं वो एलिवेट करते हैं, रिब्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह यहां पर जो है बेटा डायाफॉर्म जो होती है, जो एब्डोमिनल मस्कुलर शीट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये डायाफॉर्म जो है ये मूव करेगी, मूव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है ना। ये सारी जो प्रोसेस है बेटा ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस है। अब रिब्स ऊपर की तरफ जा रही है, डायाफार्म नीचे की तरफ आ रही है, तो इससे क्या होता है, इससे ही होता है बेटा वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी वो इंक्रीज कर जाता है। आप जानते हैं कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही चेस्ट कैविटी में जो है बेटा वो प्रेशर डिक्रीज होगा, जैसे ही प्रेशर जो है बेटा ये डिक्रीज होगा, ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा, आप जानते हो कि एयर के अंदर प्रेशर ज्यादा है, अब लंग्स के अंदर जो है ये प्रेशर कम हो गया चेस्ट कैविटी में, तो हवा ऑटोमेटिकली जो है बेटा वो आउटसाइड द बॉडी से जो है वो इनसाइड जो है ये मूव करेगी। अब ये देखिए, ये इनसाइड मूव करेगी, ये लंग्स के अंदर जो है वो एयर जो है वो इनहेल हो जाएगी। एक्सपायरेशन के अंदर जो है बेटा वो बिल्कुल इसके उल्ट होगा। अब ये देख रहे हैं ना कि इसके अंदर ये रिब्स जो होती हैं ये एलिवेट कर रहे हैं, ये आपको एरोस भी दिखाई दे रहे हैं, और आप ये नोट करें ये डायाफॉर्म में एरो नीचे की तरफ है, मतलब डायाफॉर्म नीचे की तरफ जो है बेटा ये मूव कर रही है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हो बेटा ये रिब्स जो है जब जाएंगे तो यहां पर ये जो है वो इसका जो सर्फस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होता है, डायाफ्राम नीचे की तरफ जाती है और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक्सपायरेशन की। देखो बेटा एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में अगेन हम दोनों मसल्स की बात करेंगे, सबसे पहला जो मसल है आप वही बात करेंगे हम, इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, जब मैं इंटरकोस्टल मसल बोल रहा हूं तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, क्योंकि हमारी बुक में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को लेके बात की है। तो बेटा एक्सपायरेशन के दौरान ये रिलैक्स करेगा, जब ये रिलैक्स करेगा तो जाहिर सी बात है रिब्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगे, नीचे आ जाएंगे, और इसी तरीके से जो डायाफॉर्म है सेम एज इट इज ये भी रिलैक्स करेगी। जब डायाफॉर्म रिलैक्स करेगी तो इट विल मूव अपवर्ड, ये जो है बेटा ये अपवर्ड जो है वो मूव करेगी, ठीक है, और जब ये अपवर्ड मूव करेगी तो इट विल बिकम मोर डोम लाइक, इसकी शेप जो होती है ना, शेप मोर डोम लाइक हो जाती है,
इंस्पायरेशन के केस में ये लेस डोम लाइक होती है। तो मोर डोम लाइक शेप जो है बेटा वो हो जाएगी। इन दोनों प्रोसेस से जब रिब्स नीचे की तरफ और डायाफार्म ऊपर की तरफ मूव करेगी तो जो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो बेटे जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। चेस्ट कैविटी जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा और इसके रिजल्ट में जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेट सी बात है एयर जो है बेटा वो आपकी कैविटी से जो है बेटा ओरल कैविटी से जो है या नेजल कैविटी से जो है ये बाहर निकल जाएगी, एक्सहेल हो जाएगी, एयर जो है वो बाहर की तरफ जो है बेटा वो निकल जाएगी। तो दिस विल कॉल द एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। आप ये देख रहे हैं कि रिब्स जो है वो आउटवर्ड और डाउनवर्ड जो है बेटा वो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आप ये देख सकते हो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ जो है वो जा रही है, ठीक है ना। बेसिकली हमें पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना होता है हमारे लंग्स को, कि जो है बेटा वो पार्शियल प्रेशर कम किया जाता है इंस्पायरेशन में और पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है जो है बेटा वो एक्सपायरेशन में, ताकि हवा जो है वो बाहर की तरफ निकल सके। यहां पर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।